358500। देखो अगर एसेसिबल वैल्यू नोट करती हूँ मैं यहाँ पे 358500 है ना, तो अगर इसका मेरे को कस्टम ड्यूटी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? देखो फर्स्ट सिंपल है ना बहुत। देखो पहले क्या लगाना रहता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना लगाएंगे अपन? देखो ये सेवेंथ सीमा शुल्क 10%, तो 10% लगाओ इस पे। कौन सा क्या लगाएंगे, दोनों लगाना है बेटा, ये कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। देखो तो 358500 का 10%, 358500, ये क्लियर है? फिर सेकंड देखो क्या लगाएंगे, सेकंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज, वेलफेयर सरचार्ज सामाजिक कल्याण अधिभार है ना, सोशल वेलफेयर सरचार्ज हो जाएगा। कितना परसेंट लेंगे, नहीं दिया है देखो, परसेंट नहीं दिया है तो भी कितना लेंगे अपन, 10% लेंगे। सब क्वेश्चन का बेस सेम है याद रखना, एक सेकंड। करो कैलकुलेट, 10% कितना आ रहा है? 358500। 358500। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, ये जो तुम पूछ रही थी कौन सा, ये जीएसटी है ना। देखो ये है आई इंटीग्रेटेड टैक्स जो दिया है, इसको बोलते हैं आई जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये कैसे लेते हैं, एसेसिबल वैल्यू पे भी लेते हैं, म्यूट करो माइक। एसेसिबल वैल्यू में प्लस किया क्या, बेसिक कस्टम ड्यूटी। फिर क्या प्लस करेंगे उसमें, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख रही हूँ SWS। इसका कितना लेंगे अपन, क्वेश्चन में कितना दिया है 12%, तो 12% लेंगे अपन इसका। तो एसेसिबल वैल्यू कितना है देखो, 358500 प्लस 358500 प्लस 358500, इन तीनों का टोटल बताओ कितना आया, 3979350। इसका निकालेंगे कितना परसेंट, 12%, कितना आया 12%, बताओ 477522। बस हो गया आंसर, टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल कुल सीमा शुल्क दे। कोई डाउट है इसमें, बहुत सिंपल, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही बनेंगे इसमें। टोटल कर दो तीनों का, आएगा 871872। आया सबका? यस मैम। यस मैम। हाँ क्या डाउट था इसमें और किसी को? किसका डाउट था, क्लियर हुआ ना जिसका भी था? पूनम तुम्हारा था? यस मैम, हो गया। हो गया ना, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करूं नेक्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। ये देखो देखो क्वेश्चन क्लियर है, विजिबल है क्वेश्चन? यस मैम। सॉल्व करो जल्दी से, क्या दिया है पढ़ो। जेड कंपनी ने यूरोप से एक मशीन आयात की, निम्न सूचनाओं से देय सीमा शुल्क ज्ञात कीजिए। जेड कंपनी ने इंपोर्ट किया मशीन किसे, यूरोप से, कस्टम ड्यूटी निकालना है। कॉस्ट ऑफ मशीन, फर्स्ट लाइन देखो क्या दिया,
बट इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग. मशीन का मूल्य 40,000 यूरो परंतु इसमें निम्न शामिल नहीं है, यानी ये सारी चीजें इसमें ऐड नहीं. अगर मान लो किसी क्वेश्चन में देता इसमें निम्न या ये जो नीचे वाले हैं ये शामिल हैं, तो क्या करते हैं, जो ऐड होता है उसको ऐड नहीं करते, और जो हमको पता है कि ये नहीं होना चाहिए तो उसको उसमें से क्या कर देते, माइनस कर देंगे. तो ध्यान देना, अगर लिखा है कि निम्न शामिल नहीं है तो ये सब का ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर कुछ नहीं भी लिखा होगा तो भी यही एज्यूम करेंगे कि कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है इसमें. कुछ पूछना है क्या किसी को, किसी का माइक ऑन है? तो देखो यूरोज में डाल के रखा है, परचेज प्राइस देखो कितना है, 40,000 यूरोज. तो बताओ क्या एंट्री आएगी, बताओ परचेज प्राइस ऑफ गुड्स में क्या एंटर करेंगे आप लोग, 40,000 यूरो. 40,000 चलो ऐड करते जाओ जल्दी जल्दी. अमाउंट नहीं दिख रहा है, देखो ना आप, दिखेगा स्क्रीन जूम कर दिया मैंने, देखो दिख रहा है. यस मैम. करो परचेज प्राइस ऑफ गुड्स करो, 40,000 यूरो किया. नेक्स्ट क्या दिखा, देखो आयातक ने निर्माता को माल भेजा जो आयातित मशीन के निर्माण में काम आया. इम्पोर्टर सेंड द गुड्स टू द एक्सपोर्टर, इट वॉज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग द मशीन. तो इम्पोर्टर अगर यहाँ से भेज रहा है कितने का, 2,00,000 रुपए, देखो यूरोज में नहीं, ये वाला फोर्थ पॉइंट, मटेरियल एंड सर्विस प्रोवाइड बाय द इम्पोर्टर कितने का, 2,00,000. अमाउंट है तो अमाउंट कॉलम में डालेंगे आपको. सेकेंड देखो, डिजाइन एवं विकास व्यय भारत के बाहर किए, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस इनकर्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर हुए कितने, 10,000. फिफ्थ पॉइंट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस 10,000 यूरो. नेक्स्ट देखो, आयतक ने अपने दलाल को मशीन का मूल्य निर्धारित करने में सहायता के लिए कमीशन दिया. इम्पोर्टर, एक सेकेंड, थर्ड पॉइंट, आयतक ने निर्यातक के दलाल को दलाली दी कितना, 1,00,000 रुपए. और फोर्थ पॉइंट, आयतक ने अपने दलाल को मशीन का मूल्य निर्धारित करने में सहायता के लिए कमीशन दिया. अब दो पॉइंट है कमीशन का, बताओ कौन सा वाला आएगा. देखो जो फोर्थ पॉइंट दिया है ये किसको दे रहा है कमीशन, अपने एजेंट को दे रहा है. इम्पोर्टर किसको कमीशन दे रहा है, अपने ही एजेंट को, प्राइस का मशीन सेटल करने के लिए, वो नहीं आएगा. कौन सा वाला आएगा, हमेशा दोनों में से ब्रोकरेज वाला, किसको, एक्सपोर्टर के एजेंट को, ये वाला कितना दिया है, 1,00,000 रुपए, ये वाला आएगा. यहाँ पे जो अपने एजेंट को दे रहा है वो वाला नहीं आएगा. नेक्स्ट देखो, पैकेजिंग कितना दिया है फिफ्थ पॉइंट पे, 2,000 यूरो. देखो और कोई पॉइंट छूटा है, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस एक साथ दिया है, सिक्स पॉइंट. परिवहन एवं बीमा लागत कितना दिया है, 5,000 यूरो. तो मैं इन दोनों को मर्ज कर देती हूँ. ये हो जाएगा 5,000 यूरो. तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 5,000 का फिर. चलो अब कैलकुलेट करो, 70 रुपीज का 1 यूरो है, तो 40,000 × 70 करो कितना आएगा, 2,800,000. क्या, 2,800,000.
फाइव टाइम जीरो 2 8 और 5 टाइम 0 यस मैम ठीक है फिर देखो कमीशन हो गया अब पैकेजिंग को 2000 को मल्टीप्लाई करो 70 से मैम 14 फोर बार जीरो 14 फोर बार 2000 इनटू 70 करेंगे तो 1,40,000 फिर देखो डिजाइन एंड डेवलपमेंट कितना आया 10,000 यूरोस है तो 10,000 इनटू 70 तो 7 लाख टोटल करो फिर ये वाला करो टोटल करो इन सब का इसमें 1 0 और आएगा 28 3,94,00,4 ये देखो एफओबी का टोटल आया 39,40,000 ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस एक साथ दिया था इसलिए एक साथ कर दिया है मर्ज टोटल किया तो यही सीआईएफ होगा और जो सीआईएफ होगा वही एसेसिबल वैल्यू होगा 42,90,000 कैलकुलेट करो कस्टम ड्यूटी फर्स्ट पॉइंट बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाओ बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना परसेंट दिया है 10% है तो 10% कितना आएगा 4,29,000 फिर सेम हाँ सेकेंड लिखो सोशल वेलफेयर सरचार्ज SWS लिख रही हूँ मैं फिर ये किसका आएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% 4,29,00 हो जाएगा ये बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगेगा याद रखना हमेशा थर्ड लगेगा इंटीग्रेटेड GST इंटीग्रेटेड GST किस पे लगेगा एसेसिबल वैल्यू पे फिर प्लस करेंगे उस पे क्या बेसिक कस्टम ड्यूटी को शॉर्टकट में लिख रही हूँ ना फिर प्लस करूंगी मैं इसमें क्या सोशल वेलफेयर सरचार्ज तीनों का टोटल करेंगे जो अमाउंट आएगा उसका 12% देना है क्योंकि परसेंट 12 दिया है अपने को तो एसेसिबल वैल्यू कितना है 42,94,00 प्लस करूंगी मैं इसमें 42,90,000 देन अगेन प्लस 42,900 कितना आएगा टोटल बताओ मोहित संजू कोई बताओ टोटल 4,761,900 4,761,900 ये आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12% 571,428 4,28 टोटल करो कितना आ रहा है तीनों का टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल मैम 104,3328 ये आ गया आंसर टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल क्लियर है कोई डाउट है कहीं पे किसी भी पॉइंट पे मैम आवाज कट रही है